जिला गुड़की की तहसील उबाड़ो में बैलों की दौड़ का एक रोजा मेला मुनक्कद कराया गया, जिसमें सिंध पंजाब के 15 से ज्यादा बैलों के जोड़ों ने हिस्सा लिया। बैल दौड़ के मुकाबलों में शामिल बैलों ने खूब जोहर दिखाए, जिससे जंगल में मंगल का समा बन गया। पहली कैटेगरी में 6 लकी और ड्रिल बेल ने सिंधु बेल और भूरल बेल को हरा कर पहली पोजीशन हासिल की, जबकि दूसरी कैटेगरी में एन की बेल ने बरसात को पीछे छोड़ते हुए कामयाबी हासिल की। बेल मालकान का कहना है कि दौड़ से कबल इनको मक्खन, दूध, खुश्क मेवाजात खिलाए जाते हैं। बेल को तैयारी में हम इसे दूध खिलाते हैं, बादाम खिलाते हैं और मक्खन और बहुत सी चीजें मसाला जात वो भी खिलाते हैं। आज जो है हमारा बेल जीत गया है और हमें तोहफे के तौर अजरक भी मिले हैं। पूरे सिंध पूरे पंजाब से ये बैल आते हैं, घोड़े आते हैं, जो हजारों सालों से ट्रेडिशन है हमारा, बड़े जोश से बड़े जज्बे से, जैसे आप देख रहे हैं बड़ी आवाम इकट्ठा हुई है यहाँ पे। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, ढोलक है, जकामबाद, कश्मीर से और पन्नो वाकिल से भी आए हैं, सक्कर से भी आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजा आ रहा है, कोई हार रहा है, कोई जीत रहा है। बैलों की दौड़ देखने के लिए घोटकी, उबाड़ो, कश्मोर, जेकमाबाद, रहीम यार खान, सादिकाबाद समेत सिंध पंजाब से बड़ी तादाद में शायकीन ने शिरकत की और अपने पसंदीदा बैल के जीतने पर खुशी का इजहार करते हुए ढोल की थाप पर रक्स किया। बैल दौड़ मेले में शरीक शायकीन का कहना है कि इस तरह के तफरी मेलों का इनेकाद होते रहना चाहिए ताकि लोग लुत्फानंदोज हो सकें। कैमरा टीम के साथ नज़ीर अहमद मलिक, APP News, घोटकी।